नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विलास और स्वामी जी मनी मार्केट में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अच्छे से अच्छे शेयर्स की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहे, ताकि आपका पोर्टफोलियो लगातार स्ट्रांग होता रहे और आपको अच्छे से अच्छे शेयर्स की जानकारी जल्द से जल्द मिलती रहे। आज हम बात करेंगे दोस्तों मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, इस कंपनी के शेयर के बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। इस शेयर की खास बातें क्या है आप देख सकते हैं, 547 का ये शेयर, यानी ये आज की क्लोजिंग का है, मार्केट क्लोज हो चुका है, 3:30 बज चुके हैं, मार्केट क्लोज हो चुका है 17.30 पैसे, यानी कि 17.30 रुपये के आसपास, 17.50 रुपये के आसपास इसमें आज की बढ़त आपको देखने को मिल रही है। 3.27% की बढ़त आपको यहाँ पे आज के तारीख में देखने को मिल रही है। 5 डे की बात करें हम दोस्तों, तो यहाँ पे 572 रुपये का शेयर यहाँ पे आपको गिरता हुआ दिख रहा है, 26 फरवरी के आसपास यहाँ पे 538 के आसपास ये गिर गया, उसके बाद और गिरा, फिर थोड़ा खड़ा हुआ, फिर और गिर गया। ये 5 डे का चार्ट था दोस्तों। यहीं पे हम बात करें 1 मंथ के चार्ट की, तो 1 मंथ का चार्ट भी आप देख सकते हैं, 535 रुपये का शेयर पहुँच चुका था 600 रुपये तक और फिर इसमें गिरावट आई, मगर अच्छी बढ़त के साथ में ये क्लोज हो चुका। 6 महीने का चार्ट भी आप देख सकते हैं, अच्छी खासी फ्लक्चुएशन इस शेयर में आपको देखने को मिल रही है, मगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे मैक्स की, यानी कि 1999 से इस शेयर में क्या हलचल देखने को मिल रही है। 1999 1998 के आसपास यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तीन रुपये का ये शेयर 1999 5.80 रुपये तक पहुँच गया। 2030 में भी इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि कुछ खास इसमें इजाफा आपको देखने को नहीं मिल रहा है, मगर 2011 के आसपास इसमें एक अच्छी उछाल देखने को मिल रही है। 52 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड करने लग गया और फिर वापस ये एक लो पोजीशन पे आ गया, 9 रुपये 10 रुपये के आसपास। फिर 2015 से दोस्तों इसने जो उछाल भरी है ना दोस्तों, वो सीधा 500 रुपये के आसपास की भरी है। आप देख सकते हैं 400 रुपये 500 रुपये के आसपास की एक अच्छी उछाल इस कंपनी ने भरी है। कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पे साबित की अपने आप को, यहाँ पे मार्केट में अपने आप को दिखाया यहाँ पे। और उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बार शेयर नीचे गिर चुका है 2020 में मार्च महीने के आसपास, यानी कि कोरोना के आसपास, यहाँ पे आप देख सकते हैं 150 रुपये के आसपास शेयर नीचे गिरा हुआ है। ये आप सामने अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे क्लिक करके रखा हुआ है, 13 मार्च 2030 का यहाँ पे 147.50 रुपये का भाव यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो मार्केट में बाद में इसने उछाल भरना शुरू किया, तो वापस ये अपने उछाल पे आ गया, 500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये अभी। और यहाँ पे एक नवंबर के आसपास भी यहाँ पे आपको देखने को गिरावट देखने को मिल रही है, 450 रुपये के आसपास, 440 रुपये के आसपास यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल रही है, मगर ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे बनाए हुए हैं अपनी ग्रोथ को, और ये और लंबे समय तक अपनी ग्रोथ को पकड़ के रखेगा, लंबे समय तक आगे बढ़ते रहेगा। एक बार स्क्रीन में चल कर चेक कर लेते हैं मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के बारे में कि कंपनी आखिर करती क्या है। मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चैम्फर, रेशियन रेजिन एंड सोडियम एसीटेट, ये सारी चीज़ें जो ये कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, ये कंपनी इन चीज़ों को बनाती है, इंगेज्ड इन सब चीज़ों से। मार्केट कैपिटल आप दोस्तों देख सकते हैं 454 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, 530 रुपये के आसपास यहाँ पे आपको शेयर दिख रहा है स्क्रीनर पर, और हाई लगा चुका है दोस्तों 624 रुपये का हाई लगा चुका है और लो लगा चुका है 121 रुपये का। स्टॉक पी ई देख सकते हैं आप दोस्तों 6.59 की यहाँ पे स्टॉक पी है। बुक वैल्यू दोस्तों इस शेयर की 221 रुपये की तो बुक वैल्यू है, यानी आप सोच सकते हैं एक तगड़ा शेयर है आपके लिए ये। डिविडेंड भी कंपनी देती है और ROCE यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार 43.6% का ROCE यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ROE देख सकते हैं आप 38.6% का ROE देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और फेस वैल्यू दोस्तों इस शेयर की 10 रुपये की है। शेयर में हालांकि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन अभी चल रही है रिसेंटली, 2020 के आसपास यहाँ पे अच्छी खासी फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल रही है, और 2022 अभी चल रहा है, 2021 अभी चल रहा है, और 2021 में भी ये काफ़ी अपनी बढ़त में है और काफ़ी ग्रोथ इस कंपनी में आपको देखने को मिल रही है। 2022-2030 में भी आपको इसमें एक अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिलेगा, और कंपनी हैज रिडक्ट डेप्थ, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री। कंपनी के ऊपर हालांकि दोस्तों कुछ डेप्थ है, मगर कंपनी का जो यहाँ पे जो एनुअल इनकम है और उसके पास में जो 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 मनी है, जो कैश फ्लो है,
वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे इसको ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री कहा जा रहा है, क्योंकि कंपनी कभी भी अपने आप को डेप्थ फ्री कर सकती है, अपने आप को जो कह सकते हैं आप लोग डेप्थ फ्री करने के बाद यहाँ पे कंपनी की जो ग्रोथ है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। यहाँ पे कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 67.8%, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं अपना गुड प्रॉफिट, यानी कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा शानदार एक प्रॉफिट यहाँ पे दे रही है, 60% से भी ऊपर यहाँ पे आप प्रॉफिट देख सकते हैं। पिछले 5 सालों से कंपनी एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे इन्वेस्टर्स को निकाल के दे रही है, बहुत ही शानदार शेयर के हिसाब से। कंपनी एज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पे काफ़ी शानदार है, ट्रैक रिकॉर्ड 2-3 साल का यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड है, 49% के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपना रिटर्न दे रही है इक्विटी में, तो एक बहुत ही बुलिश शेयर, बहुत ही शानदार शेयर है। और यहाँ बात करें हम लोग पेयर कंपैरिजन की, यहाँ पे 8वें नंबर पे हमारी कंपनी आ रही है मंगलम ऑर्गेनिक्स, उसके ऊपर आप देख सकते हैं लिंडे इंडिया है, विंटेज ऑर्गेनिक्स है, गोदरेज इंडस्ट्रीज है, और सबसे पहले ऊपर में आप देख सकते हैं पीडीडाइट इंडस्ट्रीज आ रही है, केमिकल सेक्टर में ये, और 8वें नंबर पे हमारी कंपनी यहाँ पे ट्रेड कर रही है, एक बड़े बड़े नामचीन कंपनियों के बीच में ये कंपनी 8वें नंबर पे ट्रेड कर रही है। और बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की भी, तो यहाँ पे देख सकते हैं 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे 2020 में देखने को मिल रहा है आपको। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें दोस्तों कि यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, 65 करोड़ के आसपास का यहाँ पे एक प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ बैलेंस शीट की बात करें आपको, तो टोटल असेट्स में भी आपको यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, 219 करोड़ के आसपास टोटल असेट्स कंपनी के पास में अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, तो इसी के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। हालांकि कैश फ्लो में थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, मार्च 2020 की यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं आप, नेट कैश फ्लो में आपको थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे देखने को -2 करोड़ के आसपास की नेट प्रॉफिट में आपको थोड़ी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे दोस्तों चेक करें तो 46.91% की 2018 में यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग थी, जो कि बढ़ाकर 2020 में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी, यहाँ पे 54.91% की यहाँ पे प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पे बढ़ गई है। पब्लिक के पास की होल्डिंग यहाँ पे कम कर दी गई, जो पहले 53.09% की थी, यहाँ पे 45.09% की प्रमोटर अपना पब्लिक होल्डिंग्स को कर दिया गया है। इसी के साथ हम लोग मनी कंट्रोल यूजर्स की भी जानकारी थोड़ी सी ले लेते हैं कि मनी कंट्रोल यूजर्स क्या कहते हैं इस बारे में। एमसी टेक्निकल्स की हिसाब से वेरी बुलिश शेयर है, एमसी इंस्टीट्यूट के हिसाब से 88% पास यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे टेक्निकली देखा जाए तो वेरी बुलिश शेयर है, बहुत ही शानदार शेयर है। यहाँ देख सकते हैं 1 वीक का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, -3.01% का यहाँ पे निगेटिव रिटर्न कंपनी ने निकाल के दिया है। 1 मंथ की यहाँ पे आप अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं और 3 साल की भी अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं हम, 165% के आसपास कंपनी ने यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को निकाल के दिया है। और यहाँ पे आप टेक्निकली देखा जाए कम्युनिटी सेंटीमेंट्स, तो 100% का लोगों का कहना है कि आपको इसको बाय करना चाहिए, यानी कि एक बहुत ही टेक्निकली देखा जाए तो वेरी बुलिश शेयर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसलिए कहता हूँ मेरे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे अच्छे शेयर्स को आपको जल्द से जल्द निकाल के दे सकूँ, ताकि आपका पोर्टफोलियो एक अच्छा मजबूत पोर्टफोलियो बन सके। नमस्कार।